दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यपत्रक में। सहयोगात्मक अधिगम चरण की हम बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 41 की। वैसे कार्यपत्रक 41 का पहला वीडियो हम आप तक पहुंचा चुके हैं, आज हम दूसरा वीडियो आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कार्यपत्रक 41 में क्या लिखा है। देखिये दोस्तों, ये कार्यपत्रक 41 जो है उसका दूसरा पेज से हम ले रहे हैं। यहाँ तक जो चार प्रश्न दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं कार्यपत्रक 41 के छठवा, पांचवा, छठवा, सातवा और आठवा प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, आप यहाँ लिखा है 0.6 को 0.7 से गुना करके देखो, गुणनफल दोनों संख्याओं से कम क्यों आता है, कारण बताओ। तो देखिए, यदि आप समझ रहे होंगे दशमलव संख्याओं को गुणा करना, तो आप समझ पाएंगे। दशमलव संख्या वास्तविक में भिन्न संख्याएं होती हैं, ऐसी भिन्न संख्याएं होती हैं जिसको हम उचित भिन्न कहते हैं। वास्तविक में उचित भिन्न को हम दशमलव संख्याओं में बदलते हैं, अनुचित भिन्न को भी बदलते हैं, लेकिन इस तरह के जो संख्या है 0.6, 0.7, ये उचित भिन्न से ही बना हुआ संख्या है। तो आइए देखते हैं गुणा करके और जानते हैं कि ये संख्याओं को गुणा करने के बाद इसका परिणाम मूल संख्याओं से छोटा कैसे आता है। देखिए दोस्तों, हमारा सवाल यह है 0.6 गुना 0.7। अब हम 7 और 6 को गुना करेंगे तो क्या होता है, 7 6 का 42 हो गया, 7 6 का 42। आसान है ना? हाँ, लेकिन दशमलव कहाँ लगाना है ये थोड़ा सा हमको विचार करना है। दशमलव कहाँ लगेगा, देखिए इस संख्या में दशमलव के बाद एक अंक है, इस संख्या में भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम इन दोनों संख्याओं गिन लेंगे, एक और दो। यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पर एक अंक है, इसलिए एक और दो संख्या होगी। दो संख्या के पहले यहाँ पर दशमलव लगेगा, ये यहाँ पर, चूंकि दशमलव हमको दिखना चाहिए स्पष्ट रूप से दशमलव है करके, इसलिए इसके सामने हम एक शून्य लगा देते हैं ताकि दशमलव हमको दिखे यहाँ पर। तो शून्य लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि हम इस दशमलव को दिखाना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर दशमलव लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दो अंक के पहले दशमलव लगा दें, हमने क्यों लगाया, यहाँ पर एक अंक के पहले दशमलव है, यहाँ पर एक अंक के पहले दशमलव है, दोनों को जोड़ दिए एक और दो, तो दो अंक के पहले दशमलव यहाँ पर उत्तर में लगेगा। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि 0.6 यानी 0.6 और 0.7, इन दोनों को गुना करने के बाद जो परिणाम आया है 0.42, यह जो है वो इन दोनों संख्याओं से छोटी है। छोटी कैसे है, आइए थोड़ा इसको अलग तरीके से देखते हैं। ये इसका भिन्न रूप है, भिन्न रूप में कैसे बदलते हैं, देखिए यहां से देखिए, दशमलव के लिए हम एक लिखते हैं, दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक, उसके लिए शून्य लिखते हैं, और जो अंक होता है उसको वैसे वैसे यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, तो ये होगा 6/10। ठीक वैसे यहां पर भी करेंगे, दशमलव के लिए लिखेंगे एक, दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक, इसलिए शून्य बढ़ाएंगे, और इस संख्या को जो है उसको ऊपर हम लिख देंगे, इस प्रकार से हो गया। अब दोनों गुणा करते हैं, 7 6 का 42 और नीचे वाले गुना होगा 10 10 100। अब आप देखिए 42 को 100 बराबर भागों में बांटा गया है, ये बता रहा है 42 को 100 बराबर भागों में बांटा गया है। अब पहला कारण तो यही हो गया छोटा होने का, कि भाई यहाँ पर हर दो है आपस में गुना हो रहा है, 10 10 100 यानी कि 10 गुना और बढ़ गया, इसलिए भी ऊपर की संख्याएं छोटी हो रही हैं। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे हम शुरू में पढ़ते थे 6/10, गुना का मतलब होता है का 7/10। अब देखिए आप, कोई संख्या जो 6 है वो 10 बराबर भागों में बटा हुआ है, उसका हम और 7/10 भाग कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ, गुना का मतलब ये हुआ का। तो का मतलब यहां पर देखिए 6/10 का 7/10वां हिस्सा, तो 6/10 का 7/10वां हिस्सा तो छोटा होगा ही ना। इसको एक तरीके से और समझते हैं, मान लो आपके पास 6 सेब है, 6 सेब को आप 10 बराबर भागों में बांट लीजिए, 6 सेब को, यानी कि कैसे बांटेंगे आप, पूरा पूरा तो होगा नहीं,
छह सेब को या फिर एक कोई चीज़ को आप किसी पूर्ण इकाई को आप एक छह मान लीजिए। जैसा कि ये दवाई की पत्ती है, इसको आप छह मान लीजिए। अब छह दवाइयों को मिलाकर एक साथ घोल कर या मिलाकर उसको 10 बराबर भागों में बांट लीजिए। अब 10 बराबर भागों में बांटेंगे, उसमें से 6 भाग आप ले लीजिए। चलिए इसको फिर से समझते हैं। कोई पूर्ण इकाई है, उसको आप 10 बराबर भागों में बांट लिए हैं। कोई पूर्ण इकाई को, यानी एक सेब है, एक कद्दू है, एक तरबूज है, उसको आप 10 बराबर भागों में बांटे हैं। उनमें से 6 भाग आप ले लिए। कितने भाग ले लिए? 6 भाग। तो 6 भाग लेंगे तो वो कहलाएगा 6/10, क्योंकि आप 4 भाग छोड़ दिए हैं, इसलिए वो 6/10 कहलाएगा। अब उन 6/10 को और 7/10 में बांटना है। 6/10 को और 7/10 में बांटना है, यानी 6/10 को आपको 7/10 से गुना करना है। तो पहले जो 6/10 है वो 7/10 में बटेगा तो छोटी तो होना ही है ना। चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं, एक TLM के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए चित्र है, इसको हम एक पूर्ण इकाई बोलेंगे। 1, 2, 3, 4 बराबर भागों में बटा हुआ है ये, और चारों मिला के पूर्ण इकाई है। अब इसमें से अब एक भाग यदि हम लें, ये वाला हिस्सा, तो वो कहलाएगा 1/4। क्या कहलाएगा? 1/4। अब इस 1/4 का 2 भाग और करें, यहां से बराबर बराबर भागों में बांटे ऐसे इसको, ये ऐसे, तो एक भाग ये होगा, एक भाग ये होगा, तो ये वाला भाग कहलाएगा 1/4 का आधा, यानी कि 1/4 का आधा, यानी 1/2। 1/4 का आधा ये वाला हिस्सा कहलाएगा, जो ये लाइन खींचा इसको ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा भी 1/4 का 1/2 कहलाएगा, यदि बराबर भागों में बांटे तो। तो का मतलब हमने क्या पढ़ा अभी? का मतलब हमने पढ़ा 1/4 का 1/2, माने ये हो गया 1/8। यानी कि ये हम इस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं, या इस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं इस खंड के। तो ये 1/4 है पूर्ण इकाई का, और 1/4 का और 1/2 निकाल रहे हैं, दोनों गुना कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि ऐसा करने से जो हमको प्राप्त होगा वो छोटी ही प्राप्त होगी, है ना। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि दशमलव संख्याओं का गुना जो हो छोटी क्यों होती, क्योंकि दशमलव संख्या जो है भिन्न संख्याओं से बनती है, और उसको गुना करेंगे तो छोटी संख्या प्राप्त होगी ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। इसी को हम भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं, 1/4 को 1/2 को। 1/4 को दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए आपको हम बता देते हैं। चलिए यहाँ से एक को हम 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, 0 बार देंगे भाग, तो यहाँ 0 लिख दिए। फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ हो गया 10। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचा यहाँ पर? 2। फिर 0 बढ़ाएंगे 1, और 4 5 20। तो ये हो गया हमारा पूरा कट गया 10। क्या आया हो हमारा उत्तर? 0.25। ये हमारा उत्तर आया 0.25। ठीक उसी प्रकार से 1/2 को यदि हम बदलें, यानी कि 1/2 में 1 को हम 2 से भाग देंगे, तो क्या होगा? पहले 0 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा यहाँ पर, फिर दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, और 0 बढ़ा लेंगे, 2 5 10। तो आप देख सकते हैं 0.5 और 0.25, यानी कि ये 25 पैसा है और 50 पैसा है, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? यानी कि ये 1/4 है और 1/2 है, दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा? चलिए देखते हैं दोनों गुना करके। चलिए सुगुना कर रहे हैं, ये आधा है और ये आधा का आधा, दोनों गुना करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 25 का 5, 5 6 2, 5 2 10 2 12। दशमलव कितने अंक के बाद लगाएंगे दोस्तों? यहाँ पर ये 1 अंक है, यहाँ पर 1 2 अंक है, तो
तो तीन अंक के पहले दशमलव लगाएंगे हम ये, और यहाँ पर एक शून्य लगा देंगे ताकि दशमलव दिखे। तो ये देखिए आप दशमलव दो पाँच, दशमलव के बाद जो संख्या होती है वो बड़ी होगी तो वो संख्या बड़ी होगी। देखिए यहाँ पर दो है, यहाँ पर पाँच है, मतलब ये वाली संख्या जो है इससे बड़ी है, ये आधा है, अब ये आधा का आधा है। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद एक दो है पाँच, आप हमेशा याद रखिएगा दशमलव संख्या को हल करते समय दशमलव एक तो नीचे लगना चाहिए, बीच में नहीं लगना चाहिए, यहाँ पर लाइन में जैसे हम लगाए यहाँ पर, और दशमलव के बाद वाली संख्याओं को हमेशा, हाँ जैसे यहाँ पर 0.125 लिखा है, इसको हम 0.125 नहीं पढ़ सकते, 0.25 नहीं पढ़ सकते, इसको हम पढ़ते हैं 0.25, इसको पढ़ते हैं 0.5। तो दशमलव वाली संख्याओं को पढ़ने का तरीका है, यहाँ पर हम एक बार फिर बता दें 0.125 इसको हम पढ़ेंगे, 125 पढ़ेंगे तो गलत माना जाएगा। फिर दशमलव हम यहाँ पर नीचे लगाते हैं जहाँ से लाइन खींचा रहता है, जिसमें जिस लाइन पे हम इन अंकों को लिखते हैं उसी लाइन में दशमलव लगाया जाता है। बीच में दशमलव लगाना कभी कभी हम लगा देते हैं जल्दी जल्दबाजी में, जैसे 3.5 ऐसा हम लिख रहे हैं, तो ये गलत है, दशमलव हमारा यहाँ लगना चाहिए दोनों के बॉटम में, ये वाला जो दशमलव लगा है वो हमारा गलत है। तो इस प्रकार से दशमलव के बारे में हम समझ सकते हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 6 के बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है दो बीजगणितीय कथन लिखो जिनमें चारों संक्रियाओं यानी जोड़ घटाव गुणा व भाग का इस्तेमाल किया गया हो, फिर उन कथनों को शाब्दिक समस्या में बदलकर लिखो। तो आइए हम कार्यपत्रक के यही एक सवाल है जिसको हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं, बीजगणितीय कथन वाला सवाल में से हम एक सवाल उठाए हैं, यहाँ पर छठवां सवाल है उसमें का। तो ये देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ 3a/2b + 4b/6a (2c/3) = 0 प्राप्त होता है। तो इसको हम शाब्दिक रूप में लिख सकते हैं, आप चाहें तो सुनकर लिखिएगा, किसी संख्या, ये एक किसी संख्या की संख्या के तीन गुने को दूसरी संख्या के दो गुने से भाग देकर दूसरी संख्या के चार गुने तथा उसके छह पहली संख्या के छह गुने के भाग में जोड़ा जाए एवं तीसरी संख्या के दो गुने को 3 भागित करके उसमें घटाया जाए तो 0 प्राप्त होता है। एक बार पुनः सुन लीजिए इसको, किसी संख्या के तीन गुने को दूसरी संख्या के दो गुने से भाग देकर दूसरी संख्या के चार गुने में पहली संख्या के छह गुने का भाग करके जोड़ा जाए तथा तीसरी संख्या के दो गुने को 3 से भाग देकर कुल योग में घटाया जाए तो 0 प्राप्त होता है। ये हमारा शाब्दिक समस्या बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक किसी संख्या को 3 से भाग देकर दूसरी संख्या के 10 गुने को जोड़ा जाए तथा पहली संख्या के 3 गुने को घटाया जाए और जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें 8 का गुना किया जाए तो 10 प्राप्त होता है। ऐसे हम शाब्दिक समस्याओं को बना सकते हैं। आइए अब हम सातवां प्रश्न पर ध्यान देते हैं। 180 का 75% निकालने का आसान तरीका बताओ। तो भाई 180 का 75% निकालने का आसान तरीका तो हम आपको बता चुके हैं। 180 को क्या करेंगे, सीधे सीधे 180 को 75, इसका मतलब प्रतिशत का मतलब होता है यहाँ पर 100, इसे वो कर देंगे, यहाँ पर ये कट जाएगा दोनों 0-0। और यहाँ पर दोस्तों देखिए 75/10 है, उसको भी हम काट सकते हैं, चलिए काटते हैं। यहाँ पर ये हो गया 5 × 2 = 10 और ये 5 × 1 = 5, 5×5 = 25, 2 बच गया, 2 को काट देते 2×2 = 18, यहाँ पर 9 आ जाएगा। कुल मिला के बचा क्या, देखिए यहाँ 9 बचा, यहाँ 15 बचा है ना, तो इसको लिखते हैं 9 × 15। अब 9 और 15 को गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको उत्तर आ जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पर 15×135। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 180 का 75% 135 होगा। तो ये सवाल भी हो गया। अब आगे आपको सवाल दिया गया दोस्तों साधारण ब्याज का। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 15,750 रुपये मूलधन दिया हुआ है, रेट दर दिया है 7.5% और समय दिया है 2 वर्ष। समय क्या दिया है आपको, 2 वर्ष। यहाँ पर दशमलव देखिए हमारा गलत लगा हुआ है, नीचे लगेगा 7.5%। चलिए साधारण ब्याज के सूत्र से इसको हल कर लेते हैं।
यहाँ पर ब्याज का सूत्र हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज बराबर पी गुना आर गुना टी बटे 100। पी का मान रख दीजिए यहाँ पर कितना है 15,750, गुना आर कितना है 7.5, गुना समय कितना है 2। देखिए यहाँ दशमलव वाली संख्याएं आने से घबराना नहीं है, यहाँ पर शून्य शून्य कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पर हम 10 को भी काट सकते हैं, 10 को यहाँ पर काट सकते हैं, 5 × 2 = 10, और यहाँ पर 5 × 3 = 15, यहाँ पर 2 बचा, 5 × 1 = 5, फिर 2 बचा, यही 7 बचा था, यहाँ पर 2 बचा, तो 5 × 5 = 25, ये 315 आ गया। अब ये दो जो 2 बचा है यहाँ पर वो, अब ये वाला 2 कट जाएगा, कुल मिला के बचा क्या हमारे पास 315 × 7.5। आइए इसको हम आराम से हल करने का प्रयास करते हैं। 5 पहले गुना करेंगे, 5 × 5 = 25 का 5 हासिल 2, 5 × 5 = 2 = 7, 5 × 3 = 15। यहाँ पर अब क्रॉस करेंगे जैसे आप करते हैं, फिर 7 से गुना करेंगे, 7 × 5 = 35 का 5 हासिल 3, 7 × 7 = 7, 3 × 10 का 0 हासिल 1, 7 × 3 = 21 और 1 = 22, ये हो गया यहाँ पर 5 आएगा, 7 × 5 = 12 का 2 हासिल 1, 5 × 1 = 6, यहाँ पर 1 और 2 = 3, यहाँ पर 2। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, दशमलव लगाना बाकी है, क्योंकि यहाँ देखिए दशमलव कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर एक अंक के बाद, देखिए यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, इसलिए इधर भी एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लगेगा। तो हमारा उत्तर आया 2362.5, ये हमारा आंसर है, यानी इतना रुपया ब्याज हमको लगेगा, कितने का 15,750 रुपये का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए हमको 2362 रुपया 50 पैसा, यहाँ पर 5 जो लिखा है उसका मतलब 50 पैसा होगा, हम यहाँ पर चाहें तो शून्य लिख सकते हैं, दशमलव के तुरंत बाद यदि 5 हो तो वो आधा कहलाता है किसी भी रुपये का, तो वो यहाँ पर 5.2 = 50 है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 5 जो है वो 50 पैसे में गिनती में आएगा। तो इस प्रकार से आप कार्यपत्रक पूर्ण हुआ हमारा 41वां कार्यपत्रक, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज हमें अनुमति दीजिए, कार्यपत्रक पूर्ण खत्म हो गया, उम्मीद करते हैं आप हमसे जुड़े रहेंगे, नए नई समस्याओं के साथ आपके बीच पुनः आते रहेंगे, अन्य सवालों को भी हम लेकर आएंगे, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अभी 10वीं की वार्षिक परीक्षा के संबंध में भी विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब और उसको हल करने का तरीका लेकर हम आपके बीच आने वाले हैं। तो बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और आनंद लीजिए गणित का। तब तक अनुमति दीजिए निर्मल साहू को, आप सभी को नमस्कार।